एक और वीडियो में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 11 की इकोनॉमिक्स की किताब चल रही है, चैप्टर नंबर 2 चल रहा है और उसका थर्ड पार्ट है। एक वीडियो मैंने पहली बनाई थी, उसके बाद मैंने पीसी महालनोबिस जी पे एक वीडियो बनाई और ये तीसरी वीडियो है। सारी वीडियोस आपको मेरे एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, क्लास 11 की इकोनॉमिक्स में प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए अगर आप जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर से शुरुआत करेंगे, ठीक है भाई। चैप्टर 1 में हमने देखा कि कॉलोनियल रूल के दौरान ना ही एग्रीकल्चर सेक्टर की किसी प्रकार की ग्रोथ की अंग्रेजों ने, गोरों ने, और ना ही किसी प्रकार की इक्विटी दी। जो गरीब किसान था वो गरीबी में, भुखमरी में और धसता चला गया, ठीक है। और जब हमारा देश आजाद हुआ तो जो हमारे नेता पॉलिसी मेकर्स निकल के आएंगे उनके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि भैया इन इश्यूज को कैसे ठीक किया जाए। तो शुरुआत में क्या लाए गए, लैंड रिफॉर्म्स लाए गए। लैंड रिफॉर्म्स में क्या किया गया कि भाई जैसे तैसे करके जो गरीब हरबू किसान है भाई उसके पास थोड़ा बहुत लैंड पहुंचाओ ताकि वो अपनी खेती बाड़ी करके अपना पेट पाल सके, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, प्रमोटिंग द यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सूट्स व्हिच अशर्ड इन अ रेवोल्यूशन इन इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर की जो बैकवर्डनेस थी वो कहीं ना कहीं लैंड प्रोडक्टिविटी की वजह से थी। हम लोग जो पुराने दकियान उसी खिला ये हिसाब के क्रॉप्स उगाने के लिए जो तरीके इस्तेमाल करते थे उनकी वजह से थी। तो कहीं ना कहीं लोगों को जमीन देने के साथ साथ उस जमीन से पैदावार कैसे ज्यादा की जाए इसके टेक्निक्स बताना भी जरूरी था। और इन दोनों चीजों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। जब हमारा देश आजाद हुआ तो जो हमारे देश का लैंड टेन्योर सिस्टम था उसमें बहुत सारे इंटरमीडियरीज थे, जिनको आप जमींदार बोलते हो, जिनको आप जागीरदार बोलते हो। इस तरीके के लोग कहीं ना कहीं डोमिनेट करते थे पूरे के पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को। जो लोग एक्चुअल में एग्रीकल्चर करते थे, लैंड के एक्चुअल टेलर्स थे, उनसे ये लोग रेंट वसूलते थे, पैसा वसूलते थे, पैसा वसूल के जेब में डाल देते थे। ये जो रेंट वसूलने वाले लोग थे ये इस लैंड के इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ भी नहीं करते थे, इस लैंड को सड़ाई छोड़ देते थे। इनको सिर्फ अपने पैसे से मतलब था, इनमें से आधे से ज्यादा लोगों को खेती भी नहीं आती थी। और जो खेती करने वाले लोग थे वो तो बेयर सब्सिस्टेंस लेवल पे जी रहे थे, तो वो तो क्या ही लैंड में इम्प्रूवमेंट करते। अगर आप बात करो हमारे देश में एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा कम थी कि इंडिया को यूएसए से खाना इम्पोर्ट करना पड़ता था। इतनी बड़ी जमीन हमारी, इतनी बड़ी एग्रीकल्चर जमीन, देश के पॉलिसी मेकर्स को लगता था कि यार इतनी जमीन होने के बावजूद, इतने किसान होने के बावजूद खाना हम यूएसए से इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो कैसे बेवकूफ लोग हैं। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में इक्विटी लाने के लिए लैंड रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। और लैंड रिफॉर्म्स लाने के लिए जो उस समय का पैटर्न था ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स का, इसको बदलना पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़े प्रॉब्लमेटिक एलिमेंट्स कौन थे, इंटरमीडियरीज, ये जो बीच के दलाल बैठे थे ना, जमींदार, ठेकेदार, जागीरदार, इनको हटाना पड़ेगा। और इंडिपेंडेंस होते ही एक साल के अंदर अंदर इन इंटरमीडियरीज से सरकार ने जमीनें हड़पनी शुरू की और गरीब किसानों को देनी शुरू की। और दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट्स। इसका बहुत अपोजिशन हुआ, बट सरकार के लिए करना जरूरी था और ये सही भी था, क्योंकि जिन लोगों को जमीन दी जा रही थी ये वही लोग थे जिनको सदियों से परेशान किया गया था, दबाया गया था, इन जमीनों पर उनका हक था। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, बिल्कुल कर दीजिए। मुझे हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर बन सकते हैं। एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक की मैंने सारी सारी चीजें आपको कवर करवाई, चाहे पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, आप जाके मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में चेक कर सकते हैं। कुछ वीडियोस बाकी हैं वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके जेन्युइन डाउट्स जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मेरी जितनी भी करंट अफेयर्स की वीडियोस बनाता हूँ उसके पीडीएफ के लिए, इस एनसीईआरटी के लेक्चर की पीडीएफ आपको एनसीईआरटी की वेबसाइट पे मिल जाएगी, आप वहां से जाके ले सकते हैं। तो भाई जैसा कि हमने देखा कि टेलर्स को लैंड प्रोवाइड किया जाएगा, अब सरकार का लॉजिक क्या था, सरकार का लॉजिक ये था लैंड की प्रोडक्टिविटी कम है। लैंड की प्रोडक्टिविटी क्यों कम है, क्योंकि जो एक्चुअली में जमीन जोत रहा है उसका वो लैंड है नहीं, तो उसको या तो डेली वेज पे रख रखा है या फिर उसको थोड़ा बहुत शाम के एंड पे चावल सब्जी और आपका वेजिटेबल्स दे देते हैं, ये वो जाके घर पे खाना बना ले, तो वो क्यों करेगा लैंड को सही, जिसकी लैंड में ओनरशिप है, जमींदार वगैरह, ठेकेदार वगैरह, ये लोग कुछ करते नहीं जमीन के लिए। तो अगर इन जमींदारों ठेकेदारों से जमीन लेके अगर हम लोग गाँव के गरीब किसान को दे देते हैं और वो जमीन ही हम उस किसान की कर देते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में उस किसान को एक इंसेंटिव मिलेगा कि वो जमीन में कुछ इंप्रूवमेंट लेके आए। ऐसे में किसानों को कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा था, यहाँ पे उस किसान को इंसेंटिव मिलेगा और वो अपनी जमीन की फर्टिलिटी के लिए काम करेगा। अभी लैंड रिफॉर्म्स में एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसको बोला गया लैंड सीलिंग। ये बेसिकली लैंड रिफॉर्म्स का पार्ट था, आप कह लीजिए लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट था। अभी जमींदारों से, जागीरदारों से उठा के जमीन अगर गरीब किसानों को दी जा रही है तो जमींदारों से पहले आपको जमीन लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए एक पॉलिसी लाई गई लैंड सीलिंग, कि एक पर्टिकुलर इंसान
एग्रीकल्चर सेक्टर में मैक्सिमम इतनी जमीन रख सकता है, मतलब कि कहीं ना कहीं मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड को फिक्स किया गया कि एक इंडिविजुअल मैक्सिमम कितना लैंड ओन कर सकता है। और इस लैंड सीलिंग को क्यों लेके आया गया, ताकि कुछ लोगों के हाथ में लैंड ओनरशिप ना रह जाए। बहुत सारे इंटरमीडियरीज को हटाने का मतलब क्या था कि 200 लाख, मतलब 2 करोड़ टेनेंट्स डायरेक्टली सरकार के टच में आएंगे, मतलब कहीं ना कहीं जमींदार से उनका एक्सप्लॉयटेशन खत्म होगा। पहले ही जमींदारों के अंदर आते थे, जमींदार बीच से हटा लिए गए, जमींदार से जमीन लेके इन गरीब किसानों को दे दी गई। और जब जमीन गरीब किसानों को दी जाएगी तो उनको मिलेगी ओनरशिप, ओनरशिप से उनको मिलेगा इंसेंटिव। अब किसानों को लगेगा कि ये जमीन मेरी है, इस जमीन के हक मेरा है, और अगर जमीन पे हक मेरा है तो इस जमीन से जो भी पैदावार होगा वो भी मेरा है, और पैदावार मेरा है तो ऑब्वियसली बात है खाना पीना भी मैं ही खाऊंगा, बेच के एक्स्ट्रा पैसा भी मैं ही कमाऊंगा। तो कहीं ना कहीं गोल ऑफ इक्विटी आगे बढ़ेगा। जो पूरा का पूरा पहला पैसा जमींदार अपने पास रख लेते थे, जागीरदार अपने पास रख लेते थे, वो कहीं ना कहीं अब फार्मर्स को मिलना शुरू होगा। लेकिन लैंड सीलिंग लॉज लेके जो आए गए ना, उनमें कमियां थी, बहुत सारे लूप होल्स थे, और उन लूप होल्स का जमींदारों जागीरदारों ने इस्तेमाल किया। आप जस्ट इमेजिन करिए दोस्तों अपने दिमाग में, आपके पास बहुत सारी जमीन है। अब नो डाउट आप कितने भी एडवांटेजेस रहे हो, कितने भी ताकत रहे हो, आपके पास बहुत सारी जमीन, और एकदम से आपको लगे कि आपकी बहुत सारी जमीन लेके गरीब किसान को दे दी जा रही हो। अब इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो किसान कितना भी गरीब हो, आप एक इंडिविजुअल हो, आप अपने हिसाब से सोचोगे, आप सोचोगे कोई दूसरा जा रहा है परेशान हो रहा है, होने दो भाई, मैं अपनी जमीनें क्यों दूं। अपनी चीज हर कोई अपने पास पकड़ के रखना चाहता है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है, एक ह्यूमन नेचर है ये, ठीक है, इसमें सही गलत की बात नहीं होती है। तो जब जमींदारों को लगा कि उनके पास से उनकी जमीनें जा रही है, तो उन्होंने बोला कि कैसे भी करके अपनी जमीनों को ले लो। तो बहुत सारे केसेस में उन्होंने लेजिस्लेशन में लूप होल्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। सरकार ने उनसे जमीनें दी, टेनेंट्स को दे दी, उन्होंने वापस टेनेंट्स को वहां से निकाल दिया। कहीं ना कहीं लैंड ओनर्स ने ये दिखाना शुरू कर दिया कि भाई हम ही तो है एक्चुअल टेनर, हम ही तो खेत जोतते हैं। वो अलग बात है कि इन जमींदारों ने कभी हुक्का पीने के अलावा जिंदगी में कोई काम ना किया हो, लेकिन जब लगा कि जमीन जा रही है तो बोला कि नहीं भाई हम ही करते हैं जोता जाती, हम ही करते हैं सारा काम एग्रीकल्चर का, हम ही इसके एग्रीकल्चर के लैंड ओनर हैं, समझ गए बात को। तो कुल मिला के जो पुअरेस्ट एग्रीकल्चर लेबर्स थे, शेयर क्रॉपर्स थे, लैंड लेबर्स थे, जिनको जमीन देने की बातचीत की जा रही थी, उनको जमीनें मिलने में बड़ी मुश्किल कर दी, और बहुत सारे लोगों को जमीनें मिली भी नहीं। तो लैंड रिफॉर्म्स का फायदा हुआ, बट फायदा बहुत लिमिटेड था, कुछ लोगों को हुआ और कुछ लोगों को फायदा होने से रोक दिया गया। फिर लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन में प्रॉब्लम भी बहुत सी आई, बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स ने कोर्ट में केस फाइल कर दिए और बोला कि भैया इसको इम्प्लीमेंट होने नहीं देंगे। केस फाइल हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में तो केस को उस जमींदार के फेवर में रूल किया। बहुत सारे लोगों ने समझ में आया कि एक काम करो, अपने आसपास करीब के रिश्तेदारों में जमीनें बांट दो, तो अगर लैंड सीलिंग इम्पोज की है तो सीलिंग के हिसाब से आसपास जितने चाहते रिश्तेदार हो उनको जमीनें दे दो, तो कम से कम जमीन घर में ही रहेगी, समझ गए आप बात को। बहुत सारे लूपहोल्स का इस्तेमाल करके इन बड़े लैंड होल्डर्स ने जमीनों को अपने पास रखने की कोशिश की। दो ऐसे स्टेट्स का यहाँ पे नाम लिया जाएगा जिन्होंने सच में इन लैंड रिफॉर्म्स को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया, एक है केरला, एक है वेस्ट बंगाल। केरला और वेस्ट बंगाल ये दो ऐसे स्टेट्स थे जहां पे इनकी सरकारें देवर कमिटेड टू द पॉलिसी ऑफ लैंड टू द टेनर, इनका लेवल ऑफ कमिटमेंट बहुत ज्यादा था। कहीं ना कहीं इनके दिमाग में क्लियर बात थी कि नहीं भाई जमींदार, जमीन तो हम गरीब किसानों को देंगे ही देंगे, और केरला और वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म्स प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट की जाए, क्योंकि यहाँ की सरकारों का कमिटमेंट बहुत ज्यादा था। और याद रखिएगा लैंड एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट गवर्नमेंट जब तक ठीक तरीके से नहीं चाहती तब तक आप लैंड रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। फिर हम घुसते हैं कहां, ग्रीन रेवोल्यूशन पे। इंडिपेंडेंस के समय पे हमारे देश की 75% आबादी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी, और एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी लो थी, बहुत ही कम थी, पुरानी टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं ज्यादातर फार्मर्स के पास, और ज्यादातर इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो मानसून पे डिपेंडेंट था। मानसून कम पड़ गया तो फार्मर्स वैसे ही परेशान, फार्मर्स के पास इरिगेशन फैसिलिटी का एक्सेस है तो ठीक, नहीं है तो नहीं है, और ज्यादातर जगहों पर इरिगेशन का एक्सेस नहीं था। क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद की बात हो रही, आज की डेट में तो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, फ्री में ट्यूबवेल बांटे जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी मिल रही है, बट उस समय पे इतनी सारी चीजें नहीं थी। तो कहीं ना कहीं जो स्टैग्नेशन था एग्रीकल्चर में वो एग्जिस्टेंट था, लेकिन ये स्टैग्नेशन टूटा जब एंट्री होती है किसकी, ग्रीन रेवोल्यूशन की। ग्रीन रेवोल्यूशन कुछ नहीं था, ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज द इनकमिंग ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। भाई मॉडर्न मीन्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन को यहाँ पे आगे लेके आया गया।
तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का प्रयोग किया गया, खासकर वीट और राइस की, इनकी हाई यील्डिंग वैरायटी आई। तो पहले जो सीड्स थी जिनमें पेस्ट लग जाते थे, अब पेस्ट नहीं लगेंगे, कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। हालांकि इसमें भी कमी थी जिसके बारे में आगे बात करेंगे। फिर इन सीड्स को उगाने में ज्यादा फर्टिलाइजर, ज्यादा पेस्टिसाइड्स का प्रयोग, ठीक है भाई, इनको रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर चाहिए, प्लस इनपुट्स, यानी कि जिस प्रकार के आप सीड के इनपुट्स, फर्टिलाइजर के इनपुट डालोगे वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए इनपुट, ठीक है भाई। तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लेके आई गई, लेकिन हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का बेनिफिट केवल उन फार्मर्स को पहुंचा जिनके पास रिलायबल इरिगेशन फैसिलिटी थी। तो नई सीड्स आई, लेकिन नई सीड्स में प्रॉब्लम थी, नई सीड्स में आपको पेस्टिसाइड भी ज्यादा डालना है, फर्टिलाइजर भी ज्यादा डालना है, सही समय पर उस पर पानी भी डालना है, तो ये क्लाइमेट रेजिस्टेंट सीड्स नहीं थी। तो वो स्टेट्स जहां के फार्मर्स के पास पैसा था, उन्होंने इन हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का प्रयोग किया और एकदम से फायदे में आए। जो पहला फेज हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन का, जो कि आप कह सकते हो मिड 1960 से मिड 1970 तक चला, यहाँ पे केवल एफ्लुएंट स्टेट्स इस ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा ले पाए, जिसमें पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स थे, ठीक है ना भाई। उसके बाद शुरुआत में जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थे, इन्होंने केवल वीट ग्रोइंग रीजन्स को बेनिफिट किया, धीरे धीरे इनके बेनिफिट आगे पहुंचे। सेकेंड फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जो कि मिड 1970 से मिड 1980 तक चला, यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी थी और स्टेट से पहुंची, अब साल दर साल बीत रहे थे तो कहीं ना कहीं राज्य की सरकारें भी काम कर रही थी, इन सब चीजों से भले ही एक अनइक्विटेबल ग्रोथ हुआ, इक्वल ग्रोथ नहीं कह सकते अब ग्रीन रेवोल्यूशन में, ग्रीन रेवोल्यूशन में कुछ स्टेट्स को ज्यादा फायदा मिला है और कुछ स्टेट्स को कम फायदा मिला है। तो जिन स्टेट्स को ग्रीन रेवोल्यूशन का कम फायदा मिला उनको बाद में मिला, आज की डेट में भी नॉर्थ ईस्ट में ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं पहुंचा है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा नहीं मिला है, पर चलिए वो एक अलग बात है। ग्रीन रेवोल्यूशन से एक चीज बहुत अच्छी हुई कि हमें सेल्फ सफिशिएंसी मिल गई फूड प्रोडक्शन में। तो पहले जो हम अमेरिका पे डिपेंडेंट हुआ करते थे, अमेरिका की मर्सी पे थे कि भैया हमें खाना दे दो, हमारे जनता के पास खाने के पैसे नहीं है, वो सब तरीके की चीजें खत्म हो गई। कहीं ना कहीं सोवरेनिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम खाने के लिए ही दूसरे देश पे डिपेंडेंट हो जाएंगे तो हम खुद क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रोथ इन एग्रीकल्चर आउटपुट हुआ, लेकिन केवल ये इनफ नहीं था, ठीक है भाई। ज्यादातर जो ग्रोथ आउटपुट हो रहा था वो ज्यादातर फार्मर्स खुद ही खा रहे थे, ठीक है, इसको मार्केट में नहीं बेचा जा रहा था, समझ गए बात को। अगर आपका आउटपुट ज्यादा हो रहा है तो पहले आप क्या करोगे, उसके अपना पेट भरोगे, पेट भरने के बाद आप जाके उसके मार्केट में बेचोगे। पहले तो आउटपुट धीरे धीरे बढ़ा तो सबको खाना मिलना शुरू हुआ, एक समय ऐसा आएगा जब खाना की रिक्वायरमेंट सबकी पूरी हो जाएगी और एक्सेस प्रोडक्शन किस लिए काम आएगा, एक्सेस प्रोडक्शन काम आएगा मार्केट में बेचने के लिए। अब वो एक बिल्कुल अलग कहानी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आगे बढ़े, वो मार्केट में बिकना शुरू है, मार्केट में किस हिसाब से बिकना शुरू है वो एक अलग समझना है इनको, ठीक है भाई। इफ ऑन द अदर हैंड अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर्स, द हायर आउटपुट कैन मेक अ डिफरेंस टू द इकोनॉमी, द प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस व्हिच इज सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर्स कॉल्ड मार्केटेड सरप्लस। समझिए बात को, मार्केटेड सरप्लस का मतलब क्या होता है। एक किसान है, उसने गेहूं चावल पैदा किए, सबसे पहले तो वो कोशिश करेगा कि बहुत सारा गेहूं चावल अपने लिए रख ले, अपने घर वालों के लिए रख ले, ताकि पूरे साल के खाने पीने का जुगाड़ हो जाए। उसके बाद वो एक्स्ट्रा मार्केट में बेच देगा, वो एक्स्ट्रा मार्केट में बेचेगा तो बाकी लोगों को खाने के लिए भी चीजें मिलेंगी, तो पूरे देश की फूड सिक्योरिटी हो जाएगी, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि जब फूड प्रोडक्शन ज्यादा हुआ तो फूड के दाम भी घटे, और जब फूड के दाम घटने लगे तो एग्रीकल्चर एक रिम्यूनरेटिव एक्टिव नहीं रही, समझिए बात को। वीट राइस पहले कम पैदा हो रहा था, अब वीट राइस एकदम से ज्यादा पैदा होने लगा। जब वीट राइस एकदम से ज्यादा पैदा होने लगा तो जब किसी चीज की सप्लाई ज्यादा बढ़ जाएगी और डिमांड उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी तो उस चीज के दाम घट जाएंगे, और यहाँ पे यही होने लगा, इन चीजों के दाम घटने लगे। जब इन चीजों के धीरे दाम घटने लगे, धीरे धीरे एग्रीकल्चर एक नॉन रिम्यूनरेटिव एक्टिव होने लगी, क्योंकि एग्रीकल्चर में सीड्स, इनपुट, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, पानी, इन पे पैसा ज्यादा खत्म करना पड़ रहा था, और एग्रीकल्चर क्रॉप्स को बेच के जो कमाई हो रही थी वो कमाई कम थी, तो इसके चलते अब भाई नुकसान होने लगा। यहाँ पे देखिए, द लो इनकम ग्रुप हु स्पेंड अ लार्ज परसेंटेज ऑफ देयर इनकम ऑन फूड बेनिफिटेड फ्रॉम दिस डिक्लाइन इन रिलेटिव प्राइसेस, मतलब वो लोग जिनकी कमाई बहुत कम थी उनको तो फायदा हुआ कि उनको जो फूड के दाम थे वो सस्ते हो गए। और एक और चीज यहाँ पे होनी शुरू हुई, इस समय पे बहुत सी जंगें भी लड़ी थी, 1965 में जंग हुई, 1962 में जंग हुई, 1971 में जंग हुई, तो जंगें बहुत हुई थी। इन जंगों के दौरान सरकार को कहीं ना कहीं खाने की कमी महसूस हुई थी, तो ग्रेन रेवोल्यूशन के थ्रू जो एक्स्ट्रा फूड ग्रेन्स पैदा होने शुरू हुए,
सरकार ने इनका बफर स्टॉक बना के रखना शुरू कर दिया। सरकार को समझ में आया कि ज्यादा से ज्यादा फूड ग्रेन्स को स्टोर कर रखो, इमरजेंसी के समय पे काम आ सकता है। तो एक तो लो इनकम ग्रुप जिसके पास ज्यादा खाने पीने का पैसा नहीं, उनको सस्ते मिलने लगे खाने पीने चीजें, तो कम से कम उनका पेट भरने लगा। दूसरा, सरकार ने भी अपना बफर स्टॉक बनवाया ताकि फूड शॉर्टेज के समय पे इस बफर स्टॉक को प्रयोग करके कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जा सके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन हु इज इंटरेस्टेड इन ऑफर। अब इस किसान के पास एक ट्रैक्टर भी है, इसके जो आपके खेत हैं वो लहलहा भी रहे, और एक अमरीकी यहाँ पे आके फूड ग्रेन्स बेच रहा है, तो इसमें अब हमारे देश के किसान इंटरेस्टेड नहीं। क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि पहले बाहर से फूड ग्रेन्स हम अंदर मंगवा रहे थे, क्योंकि हमारे देश में लोगों के पास खाने पीने की चीजें थी नहीं, अब हम खुद ही खाने पीने की चीजें पैदा कर रहे थे, तो बाहर के क्रॉप्स की हमको जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं नेशन को ग्रीन रेवोल्यूशन से फायदा हुआ, लेकिन रिस्क भी बहुत सारे आए। एक तो मैं आपको बता रहा हूँ कि दाम बहुत कम हो गए क्रॉप्स के, तो जब क्रॉप्स के दाम कम हो गए, धीरे धीरे एग्रीकल्चर से कमाई कम हो गई, एग्रीकल्चर से कमाई कम हो गई तो फार्मर सोसाइटी और नाना प्रकार की परेशानी आने लगी, उनके बारे में आगे बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक और रिस्क था, वो था डिस्पैरिटी बिटवीन स्मॉल एंड बिग फार्मर्स। देखिए, नो डाउट ग्रीन रेवोल्यूशन की जो ग्रोथ थी वो इक्विटेबल नहीं थी, वो इनइक्विटेबल थी। कुछ लोगों को फायदा ज्यादा हुआ और कुछ लोगों को फायदा जरूरत से कम हुआ। जो बड़े किसान थे वो ग्रीन रेवोल्यूशन की टेक्नोलॉजी का फायदा उठा सकते थे, उनके पास पैसा था कि वो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर, महंगे सीड्स खरीद सके, पानी का जुगाड़ कर सके, लेकिन गरीब किसान के पास ये फायदा नहीं था। और हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप्स की प्रॉब्लम है कि इनमें पेस्ट जल्दी लगते हैं। शुरू शुरू में तो पेस्ट नहीं लगे, लेकिन नए नए प्रकार के पेस्ट आने लगे और हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप्स में ज्यादा पेस्ट लगने लगे। जब ज्यादा पेस्ट लगने लगते हैं और एक पेस्ट अटैक पूरी की पूरी फसल बर्बाद करता है, तो इन पेस्टों से बचाने के लिए समय पे इंसेक्टिसाइड फर्टिलाइजर देना जरूरी हो गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होने लगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे इनइक्विटेबल ग्रोथ होने लगी। अमीर किसान बेनिफिट कर रहे थे और गरीब किसान कॉम्पिटिशन से बाहर हो रहे थे। लेकिन सरकार यहाँ पे आई मदद करने के लिए। सरकार ने गरीब किसानों को लो इंटरेस्ट रेट पे पैसा देना शुरू किया। सरकार ने किसानों को सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर देना शुरू किया। तो फर्टिलाइजर में बहुत सब्सिडी रही, यूरिया पे बहुत लंबे समय के लिए सब्सिडी रही है, और इतनी सब्सिडी रही है कि यूरिया पाकिस्तान बांग्लादेश जैसी कंट्री में स्मगल होने लगा था चाइना में। हालांकि अब यूरिया की सब्सिडी को काफी रैशनलाइज किया गया। तो जब किसान सरकार को यह लगा कि जो गरीब किसान है, ये जो छोटे किसान है, ये डिसएडवांटेज में रह जाएंगे, तो कहीं ना कहीं सरकार सीधे इनकी मदद करने आई सब्सिडी के थ्रू, और ये कोशिश की कि स्मॉल फार्म्स और लार्ज फार्म्स प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में बराबर रहे। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो दोस्तों इतना हो नहीं पाया, ठीक है ना भाई। वैसे तो आप देखो तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने स्मॉल फार्मर्स की भी मदद की है, रिच फार्मर्स की मदद की है, बट कहीं ना कहीं स्मॉल फार्मर्स की मदद उतनी नहीं हो पाई जितनी रिच फार्मर्स की। अभी यहाँ एनसीईआरटी में लिखा तो है कि भाई स्मॉल फार्मर्स को और रिच फार्मर्स को बराबर के बेनिफिट मिले, बट एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं है। क्योंकि पहले स्मॉल फार्मर्स में जब पेस्ट लगता था, पेस्ट के लिए बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने नए नए प्रकार के फर्टिलाइजर बना रखे थे, तो डाइमोनियम फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटैश, यूरिया, इस प्रकार के फर्टिलाइजर, दवाइयाँ, ये सब अवेलेबल थी, बट इनको खरीदने के लिए ज़्यादातर केसेस में फार्मर्स के पास, गरीब किसानों के पास पैसा अवेलेबल नहीं था। यहाँ भले ही ये बोला जा रहा है कि सरकारों ने लोन की सुविधा प्रोवाइड की है इन फार्मर्स को, बट एक्चुअली में आज भी आपको पता है कि गाँव के इलाकों में इनफॉर्मल रेट, इनफॉर्मल लेंडिंग चलती है। ज़मींदार, जोतेदार, ये सब किसानों को उधार पे पैसा देते हैं और किसानों को डेब्ट ट्रैप में फंसा लेते हैं। ये बहुत नॉर्मल है। वहीं पे जो रिच किसान है उन्होंने रियल बेनिफिट लिया है ग्रीन रेवोल्यूशन का, ठीक है, उन्होंने कहीं ना कहीं रियल बेनिफिट लिया है न्यू टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी और पैसों का बेनिफिट स्मॉल फार्मर्स को देने की कोशिश आज भी कर रही है सरकार, ठीक है भाई। तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन चलाए जा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स चलाई जा रही है जहाँ पे कम दाम पे मशीनें प्रोवाइड की जा सके फार्मर्स को, ये सब चीजें अब सरकार करने की कोशिश कर रही है। अब बात करते हैं द डिबेट ओवर सब्सिडीज। भाई इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन ऑफ सब्सिडीज इन एग्रीकल्चर ये एक हॉटली डिबेटेड टॉपिक है। हम लोग अपने किसानों को इतनी सब्सिडी देते हैं, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, उसके बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। उससे पहले यहाँ पे ओनरशिप और इंसेंटिव की बात कर लेते हैं। बॉक्स नंबर 2.5 में क्या लिख रखा है, देखिए, ये जो पॉलिसी आई थी लैंड टू द टिलर की, इसका कंसेप्ट क्या था, इसका कंसेप्ट ये था कि भाई अगर आप लैंड एक किसान को दे दोगे तो उस किसान को इंसेंटिव मिलेगा उस लैंड के आउटपुट को इंप्रूव करने का, क्योंकि उसका सीधा सीधा इस चीज से प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है ना भाई। जिन टेनेंट्स के बाद इंसेंटिव नहीं होता है वो उस लैंड का इंप्रूवमेंट करते ही नहीं है, समझ गए बात को। लैंड ओनर तो भाई किसान से पैसा लेने चक्कर में था तो वो इंप्रूवमेंट करता नहीं, इसीलिए भाई यहाँ पे ये बोला गया था कि आप किसानों को लैंड की ओनरशिप दे दो।
यहाँ पे यूएसएसआर के एग्जाम्पल्स को कोट किया गया। यूएसएसआर में क्या होता था कि ये जो वर्कर्स थे ना वो एक टोकरी में फल सेब स्टोर करते थे। अब आपको पता है कि मान लो एक टोकरी में आप 20 एप्पल स्टोर करो और एक एप्पल सड़ा है तो सारे एप्पल सड़ जाएंगे। उसके बाद भी ये किसान क्या करते थे कि सड़े एप्पलों को अच्छे एप्पल्स के साथ स्टोर कर देते थे, जबकि उनको पता होता था कि अगर अच्छे एप्पल्स के साथ आप सड़े एप्पल स्टोर करोगे तो खराब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोवियत मॉडल फेल होता नजर आया था। सोवियत यूनियन में जो फार्मर्स थे उनके पास लैंड की ओनरशिप नहीं थी, उनको बस पैसा मिलता था। तो लैंड में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो उनका नहीं है, अगर लॉस हो रहा है तो वो उनका नहीं है। किसानों को जो बेसिक मिनिमम अमाउंट ऑफ पैसा मिल रहा है तो मिल जाएगा। जब आपका सेट पैसा होता है ना तब आपके लिए इंसेंटिव नहीं होता है काम करने का। When your money is set, you don't have the incentive to work. Farmers का efficient रहना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना? इसीलिए हमारे देश की सरकार ने क्या किया कि लैंड की ओनरशिप को ही फार्मर को दे दिया, ताकि ये जो सोवियत यूनियन का फेल्ड कंसेप्ट है वो हमारे यहाँ ना हो जाए। तो हमारे यहाँ जब फार्मर्स कुछ करें तो वो ये सोच के करें कि वो अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, ना कि इस चीज के लिए कि हाँ भाई उनको इतनी तनख्वाह मिल जाएगी और काम उनका खत्म। नहीं, तो सोवियत यूनियन के फेल्ड मॉडल को यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने सुधारने की कोशिश की थी। वापस आ जाते हैं हम लोग किस पे, सब्सिडीज पे।